मेस्ट्रोस बायफेजिक डिफिब्रिलेटर, ये वेरी पोर्टेबल मशीन है। तो यहाँ अभी हमने मेंस कोड लगा रखा है, तो मेंस कोड पे यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है मशीन। यहाँ मेंस कोड है और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है। अब ये हम ऑन करते हैं ये मेस्ट्रोस। अभी मशीन सेल्फ टेस्ट कर दिए है मशीन ने खुद ही, तो सेल्फ टेस्ट ओके, तो मशीन अभी ओके है। तो अभी हम इसको कैसे सिलेक्ट करना है जूल और वो देखते हैं। यहाँ से ये हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 250 जूल आ जाएगा। तो ये 250 जूल चार्ज करने के लिए यहाँ पर पैडल है, पैडल को ये कंटिन्यूसली आप दोनों बटन एक साथ प्रेस करोगे तो ये चार्ज होगा। और यहाँ पर जो है वो ये अलार्म दिया है, तो यहाँ पर वॉइस भी दिया है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये आपको लाइट भी हो जाएगा। ये लाइट हो जाने के बाद आपको समझ लेना है कि ये चार्ज हो गया। अभी डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ से दोबारा आप कंटिन्यूस प्रेस करोगे दोनों के साथ, तो ये डिस्चार्ज हो गया। ये डिस्चार्ज का है। अब ये चार्जिंग हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बटन दिए गए हैं, और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर चार्ज और ये एनर्जी डिलीवर लिख के आपको आ जाएगा। और उसके बाद ये सिंक्रोनाइज के लिए है, तो सिंक्रोनाइज अगर आपने ईसीजी लगाया होगा तो ये ईसीजी सिंक्रोनाइज करके आपको ये ईसीजी है, ईसीजी कोड तो सिंक्रोनाइज करके ये आपको ये शॉक डिलीवर करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अलार्म साइलेंट का बटन है, ये भी NIBP के लिए है, आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये मेन मेनू का बटन है, यहाँ से मेन मेनू ये है। मेन मेनू में जाने के बाद ये ECG है, ट्रेंड है, सेटिंग है, तो यहाँ पर जा सकते हो आप। सेटिंग के अंदर ये टाइम, डेट एंड टाइम सेट है, और वॉल्यूम आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, म्यूट टाइम कर सकते हो, डेमो मोड कर सकते हो। डेमो मोड ऑन करने से आपको पता चलेगा कि इसकी स्क्रीन कैसी आएगी। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है और ऑटो प्रिंट का एक ऑप्शन है। ऑटो प्रिंट में भी आप अगर आप ऑन करोगे ऑटो प्रिंट, तो ये ऑटो प्रिंट भी ऑन करोगे तो यहाँ एक प्रिंटर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्रिंट कंटिन्यूस देता रहेगा ECG का। ये आपका डेमो मोड है, डेमो मशीन ऐसे वर्क करेगा जब आपने ECG कनेक्ट किया होगा।